तो आज की हमारी क्लासेज है डेटा को सिलेक्ट करने के ऊपर। देखिए डेटा की सिलेक्शन जो है, इसलिए सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन के बगैर कुछ नहीं होता। फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं, ठीक ठीक है। है। तो सिलेक्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पास। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे आज बात करते हैं। देखिए जब डेटा, अभी छोटा डेटा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा डेटा पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन की अगर ठीक ठाक आता है तो फिर आप अपने डेटा को जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे और एग्जैक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल सिलेक्शन में टाइम लॉस्ट होता है। तो जैसे माउस से आप डेटा सेलेक्ट करते हैं तो क्लिक किए और इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर लिया। एक और तरीका है कि आप क्या करें, स्टार्टिंग में क्लिक करें, अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दोहराता रहा हूं कि आप देखिए होता है क्या है, जैसे मैंने यहाँ के पे कर्सर रखा और नीचे क्लिक किया तो कर्सर के से मूव हो जाता है, जी लेकिन जब शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो मूव नहीं होगा और सिलेक्ट होते आएगा। तो सेम हमें स्टार्टिंग में क्लिक ठीक कर लिया और नीचे चले गए स्क्रॉल करके और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसके बाद मैनुअली जो है हम कीबोर्ड से तो अपना कर्सर मूव करते हैं, डेटा सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एक साथ पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल ए। ये जी हाँ, कंट्रोल ए पूरा डेटा को सिलेक्ट कर देता है। आप लोग बराबर यूज करते होंगे कंट्रोल ए को। कंट्रोल ए क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता है, करता ठीक है। जी ठीक है सर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंट्रोल ए में कोई दिक्कत तो नहीं। जी हाँ दिक्कत है, चलिए बताते हैं आप। तो जब हम कंट्रोल ए करके डेटा को यूज करते हो, सिलेक्ट ऑल होता है, तो ये होता है आपका करेंट रीजन। जी हाँ करेंट रीजन। तो आप करेंट रीजन होता कहाँ से है, आप यहाँ फाइनेंस सर्च सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है, जिसमें शॉर्टकट सर कंट्रोल जी भी होता सर है। एक मतलब ये जो आपने करंट रीजन बताया, ये मेरे वो वाले सेल्स होंगे जिसमें मेरा डाटा होगा, पूरी शीट को नहीं कहते हम करंट रीजन। मुझे करेक्ट करने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, ठीक है ना, जी। प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पर 2 मिनट में पता चल जाएगी। मतलब कि करंट रीजन या सेलेक्ट ऑल क्या है एक समझिए। देखिए जब हम जी। कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा डेटा सेलेक्ट होता है, जो भी आपका डेटा ठीक है है ठीक वो पूरा सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले जानिए कि है कंट्रोल ए ट्रिगर किसको करता है। तो ट्रिगर करता है फाइनल सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल इस करेंट रीजन को, करेंट रीजन आपका डेटा सिलेक्ट करता है। अब करंट रीजन होता क्या है, देखिए कंटिन्यूअस डेटा जो आपकी होती है वो करंट रीजन कहलाती है। अब मान लीजिए बीच पे मैंने एक रो ब्लैंक कर दिया, तो अब आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका जो है करंट रीजन से ऊपर के डेटा को सिलेक्ट करेगा, नीचे के डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टूट गई है। उसी ठीक तरह से अगर है आपके पास कॉलन है, अगर कॉलन ब्लैंक है तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका कॉलम से पहले सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम की कंटिन्यूस ब्रेक हो गई है। कंटिन्यूस मतलब कोई ठीक एक, अब जैसे कि पूरी तरह ब्लैंक होगा तभी, मान लीजिए बीच में किसी एक सेल में वैल्यू डल गई, देन आपका डेटा कंसीडर पूरा डेटा को करेगा, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है।